गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 3, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्दी। ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ईवीएस क्लास। टुडे डेट इज 13 सितंबर 2021 एंड टुडे आई विल टीच यू न्यू चैप्टर एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज अ फ्रेंडली नेबरहुड। ए फ्रेंडली नेबरहुड। ठीक है, ओके। सो व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर स्टूडेंट? फर्स्ट थिंग इज द नीड टू डेवलप ए नीट एंड क्लीन नेबरहुड। व्हाई देयर इज अ नीड टू डेवलप अ नीट एंड क्लीन नेबरहुड? ओके, इसके लिए प्रीवियस चैप्टर में भी हमने काफ़ी डिस्कस कर रखा है, क्योंकि बेटा हम हर समय अपने घर में नहीं रहते, हमें घर से बाहर अपने सराउंडिंग्स में आना होता है। जैसे स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो आप अपने हाउस से स्कूल भी आ रहे हो, तो आपकी सराउंडिंग्स क्लीन होगी। अगर आपके घर क्लीन होंगे दैट इज़ वेरी गुड, लेकिन सराउंडिंग्स क्लीन नहीं होगी तो भी आप फिट और हेल्दी नहीं रह सकते हो। इज इट क्लियर? ये प्रीवियस चैप्टर में भी हम लोग ने डिस्कस किया है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्पिंग वन अदर। व्हाई शुड, इफ वी आर लिविंग इन नेबर्स, जहाँ हम रहते हैं बेटा, ठीक है, वेयर वी आर लिविंग, ठीक है, आपके हाउस के अगल बगल भी बहुत से हाउसेज होंगे जिसमें बहुत अलग अलग दूसरी फैमिलीज के लोग रहते होंगे, तो वी शुड हेल्प ईच अदर। ठीक है, दिस थिंग आल्सो वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। और नेबर्स क्या होते हैं बेटा? जैसे आप रह रहे हो, ठीक है, आपका घर एक फैमिली है, आपके घर के अगल बगल भी बहुत से घर होंगे, ठीक है, आपके अगल बगल भी बहुत से घर होंगे, तो जो आपके घर के अगल बगल जो घर हुए जस्ट आपके घर से क्लोज, वो उसमें रहने वाले जो फैमिली के लोग होंगे उनकी और आपकी क्या रिलेशन होगी? वो आपके नेबर्स होंगे। ठीक है, रिलेटिव्स दूसरी चीज होती है, एक मम्मी वाले रिलेटिव्स, एक पापा वाले रिलेटिव, ये फैमिली चैप्टर में पढ़ाया था। लेकिन आपके अगल बगल जो हाउसेज हैं, दैट हाउसेज विच आर क्लोज टू योर हाउस, द पीपल लिविंग इन दैट हाउसेज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम विद यू, उनकी रिलेशन आपसे क्या होगी? वो सबके सब आपके क्या होंगे? नेबर्स होंगे। आई होप नेबर्स का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड सर्विसेज। व्हाई, व्हाट आर द नेबरहुड सर्विसेज? शॉर्टकट में बताता हूँ, फिर डिटेल में तो चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ जब हम नेबरहुड सर्विसेज की बात करते हैं तो बेटा हमारे सराउंडिंग्स में जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, आपके आपके घर के संग क्लोज में जो लोग हैं, जो फैमिलीज में रह रहे हैं, तो वो आपके नेबर्स हुए। और आपके सराउंड जहाँ आप रह रहे हो वहाँ पे जितने भी वो अगल बगल की जितनी भी प्लेसेस हुई वो सब आपका क्या हुआ? नेबरहुड हुआ। ठीक है, आप अपने घर के बाहर एक स्टेप भी बाहर रखते हो तो आप नेबरहुड में आ जाते हो। ठीक है, इज इट क्लियर? जैसे आप अपने घर से बाहर निकलते हो, बाहर के लिए एक स्टेप भी बाहर करते हो, तो वो सब आपकी कैसी प्लेसेस आ जाती हैं? नेबरहुड प्लेसेस होती हैं। ठीक है, और नेबरहुड प्लेसेस में क्या बोला है इसने? इंपॉर्टेंस ऑफ नेबरहुड प्लेसेस। देखो नेबरहुड प्लेसेस की क्या इंपॉर्टेंट है, देखो हमें जहाँ रहते हैं वहाँ हमें स्कूल भी चाहिए। इज इट क्लियर? वहाँ स्कूल भी चाहिए। अब तुम रहते हो यहाँ बनारस में, अब स्कूल तुम दिल्ली में थोड़ी ना पढ़ने जाओगे इतनी दूर, तो हम ऐसी प्लेस पे अपना घर बनाते हैं जहाँ हमें मैक्सिमम फैसिलिटीज मिल सकें। जब भी हम लोग देखो, व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर हाउस, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हाउस की अगल बगल की क्या लोकेशन है, क्योंकि कुछ बेसिक फैसिलिटीज हर किसी को चाहिए भाई। डेली आपको खाने की चीज़ें चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, बेसिक बात कर रहा हूँ, दूसरी छोड़ो, बेसिक थिंग्स। जैसे आपको डेली ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स चाहिए, मिल्क चाहिए मॉर्निंग में, ठीक है। सो बेसिक चीज़ें जो सबकी नीड हैं, तो हम ऐसी लोकेशन पे अपना हाउस बनाते हैं जहाँ हमें मैक्सिमम फैसिलिटीज़ अवेलेबल्स हों, जैसे मार्केट हो जहाँ आप वेजिटेबल्स भी ले सकते हो, ठीक है, और अदर ईटेबल आइटम्स भी ले सकते हो, अपने लिए क्लोथ्स भी ले सकते हो, घर की बहुत सी अदर चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, फर्नीचर हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो कि आप मार्केट से खरीद सकते हो, तो ये सब आपके हाउस के अगल बगल होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप जहाँ रह रहे हो वहाँ एक पोस्ट ऑफिस भी होना चाहिए। अगर आप किसी को लेटर भेज रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो लेटर्स कैसे जाते हैं? अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाते हैं। ठीक है, जहाँ आप रहते हो तो वहाँ आपके पास बैंक फैसिलिटी भी होनी चाहिए, तभी तो बैंक में, क्योंकि बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हम पूरा पैसा अपने घर में नहीं रख सकते, क्योंकि हमें अब चोरों से, थीफ से भी डर है,
और बैंक में हमारी मनी क्या रहती है, सेव रहती है। ठीक है, हम जहाँ रह रहे हैं तो हम बीमार भी पड़ते हैं, तो बीमार पड़ते हैं तो हमें अपने नेबरहुड प्लेसेस में एक अच्छा हॉस्पिटल भी चाहिए। ठीक है, और लोग आपस में ला मेंटेन करके रहें तो वहाँ ऐसी जगह पे हम घर लेंगे जहाँ पे पुलिस स्टेशन भी हो, तो पार्क हो बच्चों के खेलने के लिए, जहाँ आप लोग मॉर्निंग में जा सको, एक्सरसाइज कर सको, योगा कर सको, दौड़ सको। सो ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी बेसिक फैसिलिटीज हर नेबरहुड में होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस इन द चैप्टर। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो चैप्टर की स्टार्ट की है दो फ्रेंड्स के बातचीत से, क्योंकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि वो ये बताना चाहता है कि ये दोनों आपस में इनकी क्या रिलेशन है, ये आपस में नेवर्स हैं। ठीक है, दैट इज द रीजन चैप्टर की स्टार्टिंग एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी के संग की गई है। बेटा, एक बच्चे का नाम राहुल है एंड अनदर गर्ल नेम इज फातिमा, लिव नियर ईच अदर हाउस। अब देखो एक दूसरे के हाउस के अगल बगल रहते हैं, और इसका पता कैसे चलता है, दे गो टू स्कूल टुगेदर इन ए वैन, दे प्ले टुगेदर इन नियर बाई पार्क एवरी डे, दे सेलिब्रेट दिवाली एंड ईद टुगेदर। इसका मतलब दोनों बच्चे के फैमिली के मेंबर्स में आपस में क्या रिलेशन है, नेबर्स हैं, वो अगल बगल रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, शाम को पार्क में संग खेलते हैं, फेस्टिवल्स इंजॉय करते हैं एक संग। एक छोटी सी स्टोरी बता रहा है जिससे कोई आपके समझ में आ जाए कि नेबर क्या होता है। ठीक है, नेबर्स क्या होते हैं। ठीक है, जो आपके अगल बगल के घरों में जो लोग रहते हैं, फैमिलीज हैं, उनके मेंबर और आपके फैमिली के मेंबर के बीच की जो रिलेशन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेबर्स बोलते हैं। ठीक है, राहुल एंड फातिमा आर जस्ट फ्रेंड, दे आर आल्सो कॉल्ड नेबर्स। अब समझ में आ गया नेबर्स मीन्स क्या होता है। यो मैंने अभी तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट बताया, नेबर्स। So what are neighbors? I hope you all are able to understand. Okay? So what are neighbors? I hope you all are able to understand. Now let understand what is neighborhood. Also the area around their houses is called neighborhood. Just जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने घर से एक step भी बाहर निकल पैर लग देते हो तो आप अपने कहाँ में आ गए, neighborhood places में आ गए, क्योंकि घर आपका है, आपने वो घर अपने पैसे से बनवाया, खरीदा है, सराउंडिंग्स थोड़ी ना आपने खरीदी है। तो आप एक स्टेप भी अपने घर से बाहर निकाल लेते हो तो समझ लो आप नेबरहुड प्लेसेस में आ गए। ठीक है, वो सारी आपके घर की अगल बगल की जो जगह है वो आपकी क्या है, नेबरहुड प्लेसेस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, अब नेबरहुड को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब नेबरहुड प्लेसेस बोल रहा है कहाँ कहाँ हो सकती है भाई। नेबरहुड प्लेसेस लोग देखो किस तरह रहते हैं, लोग विलेजेस में भी रहते हैं, लोग टाउन्स में भी रहते हैं, लोग सिटीज में भी रहते हैं, लोग बिग सिटीज में भी रहते हैं। ठीक है, तो हर जगह नेबरहुड है भाई, विलेज में भी लोग रह रहे हैं, टाउन छोटे शहरों को कहते हैं सिटीज हैं, और बड़े शहरों को मेट्रो सिटीज कहते हैं। तो हर जगह ये सब क्या है, ये सब क्या नेबरहुड सब चीज का पार्ट है, विलेज में भी होता है, टाउन्स में भी होता है, सिटी में भी होगा और बिग मेट्रो सिटीज में भी होगा। ठीक है, सो बिसाइड हाउसेज देयर आर मेनी अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड। अब देखो नेबरहुड में सिर्फ हाउसेज ही नहीं होते, मैंने बोला ना जहां हम रहते हैं तो हमें बेसिक फैसिलिटी तो हम हर किसी को चाहिए। बेसिक फैसिलिटी आज हमारी लाइफ क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने बेटा बहुत मेहनत करके इतने घर को कंफर्टेबल बना दिया है। आप टीवी देखना चाहते हो टीवी देखो, कोरोना से साल भर स्कूल बंद रहा, मोबाइल से अवेलेबल कराए आपके मम्मी पापा ने, लैपटॉप से अवेलेबल कराए आपको कि आपका स्टडी से टच ना जाए। ठीक है, आप आराम से गर्मियों में भी आपको गर्मी नहीं लगती, घर में एसी चलता होगा, कूलर चलता होगा, फैन चलता होगा, फ्रिज होगा, ठंडा वाटर आप पीते होगे। तो देयर पेरेंट्स हैव अरेंज सो मेनी फैसिलिटीज फॉर यू, सो प्लीज गिव टाइम टू स्टडी। ओके, सो अब देखो नेबरहुड में सिर्फ हाउसेज ही नहीं होते हैं, एक तो हो गया नेबरहुड। जब हम नेबरहुड की बात करते हैं बेटा तो नेबरहुड में, ठीक है, नेबरहुड में हाउसेज ही नहीं होंगे, उसके हाउस के अलावा क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती हैं नेबरहुड में, दैट आर मार्केट। भाई आप रह रहे हो तो रोज आपको खाने की चीजें तो चाहिए ना बेटा, मार्केट होगी नेबरहुड में, मार्केट्स होंगे,
पार्क्स होंगे किसके लिए, बच्चों के लिए। पार्क्स वैसे ऐसी प्लेस है जो उसमें किसी भी एज ग्रुप के लोग जा सकते हैं। आप कभी भी पार्क में जाओ तो आपको ओल्ड एज के लोग भी दिखते होंगे, यंग भी दिखते होंगे, आपको अपनी तरह छोटे बच्चे भी दिखते होंगे। तो पार्क इज द प्लेस वेयर वेयर पीपल ऑफ एवरी एज ग्रुप कैन गो इन द पार्क। ठीक है, पार्क्स हो गया जी, पार्क है, स्कूल, भाई स्कूल तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि अभी बाकी सर्विसेज हम लोग सारे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते हैं। देखो स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेबरहुड में स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि बेटा अभी आप छोटे बच्चे हो, जानते हो पेरेंट्स ना छोटे बच्चों को कभी भी ऐसे स्कूल्स में नहीं एडमिशन कराते जो घर से बहुत दूर हो, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे 8th 9th 10th में तो बहुत से बच्चे अपनी साइकिल से भी स्कूल आने लगते हैं, तब आप बड़े हो जाते हो, काफ़ी डिसीजन अपने से लेने लगते हो। ठीक है, आपको अच्छी नॉलेज समझ आ जाती है, लेकिन स्पेशली जब बच्चे छोटे होते हैं 3 साल 4 साल 5 साल 6 7 8 साल के, इतने छोटे बच्चों को उतनी ज़्यादा नहीं अभी समझ होती है, तो हमेशा पेरेंट्स अपने नेबरहुड प्लेसेस में जो उनके घर से सबसे पास जैसे स्कूल्स हो उन्हीं में ज़्यादा प्रेफर करते हैं छोटे बच्चों को। तो स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड। ठीक है, स्कूल इज द वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड, क्योंकि भाई सब पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करते हैं। आपकी छुट्टी होती है, देखो आपके मम्मी लोग आपके पापा लोग पहले से धूप में खड़े होते हैं, बाहर होते हैं ना आर्मी स्कूल के गेट पे पहले से खड़े, आपको उनका वेट नहीं करना पड़ता है, आप बस स्कूल के गेट से निकलते हो, आपके पेरेंट्स आपको पिकअप करते हैं, आप उनके संग चले जाते हो। तो दैट इज द रीजन स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड। ठीक है, अब दीज नेबरहुड सर्विसेज आर वेरी यूजफुल फॉर द पीपल लिविंग देयर, और नेबरहुड सर्विसेज दीज नेबरहुड सर्विसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, द पीपल हु आर लिविंग देयर, जो लोग लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए ये नेबरहुड सर्विसेज क्या है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पिंग वन अदर, यस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेल्पिंग वन अनदर। देखो मैंने तुम लोगों को इसको मैं थोड़ा सा को रिलेट कर देता हूँ जो मैंने फर्स्ट चैप्टर तुमको फैमिली पढ़ाया था। ठीक है, फैमिली में मैक्सिमम ओल्ड टाइम में ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ठीक है, अपनी फैमिली के बहुत लोग होते थे, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर आपके अंकल आंट उनके बच्चे आपके मम्मी पापा उनके बच्चे, तो बड़ी बड़ी ज्वाइंट फैमिली रिलीजियस में होती थी। बट नाउ द टाइम हैज चेंज, अब लोग एजुकेशन, पहले ओल्ड टाइम में मैक्सिमम लोगों का प्रोफेशन जो था ना वो कल्टीवेशन था, मतलब खेती करना था, मैक्सिमम लोग परिवार के सारे लोग मिलके कल्टीवेशन किया करते थे, लेकिन नाउ द टाइम इज चेंज, अब एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो बेटा देखो धीरे धीरे जॉइंट फैमिलीज ब्रेक होके न्यूक्लियर फैमिली में चेंज होने लगी। ठीक है, जैसे आपके पापा लोग जॉब में हैं तो आप अपने पापा के संग, आपके पापा की जॉब मान लो आपका घर वाराणसी में, पापा की जॉब मुंबई में लगी, तो आप अपने पापा के ही संग्रह हो गए ना, तो आपके पापा मम्मी आप लोग अलग हो गए अपने फैमिली से। ठीक है, क्योंकि लोग जहाँ लोग क्या कर रहे हैं, अब एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन के बाद दे अप्लाई फॉर द जॉब एंड इन एनी स्टेट और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री व्हेन दे गेट अ जॉब दे गो देयर फॉर द जॉब। तो मनी की इंपॉर्टेंस सबको है, जरूरत सबको है मनी की, क्योंकि आज आपके पेरेंट्स ने आपको इतनी फैसिलिटीज दे रखी है तो वो फ्री में नहीं मिलती। घर में कोई ऐसी चीज नहीं है, जिन विन नहीं है घर में कि उससे जो मांगते हैं वो घर में भर के चला जाता है, या पेरेंट्स आर वर्किंग हार्ड फॉर दैट, तुम्हारे पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं हार्ड। ओके, सो दैट इज द रीजन हेल्पिंग वन अनदर क्यों आज इतना इंपॉर्टेंस हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम आप अपने नेबरहुड में जब वहाँ आप रहते होगे, आप अपने नेबर्स में देखना, कोई पीपल लिविंग ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन के लोग आपस में संग रहते हैं, हो सकता है आपका नेबर मुस्लिम हो या आपका नेबर सिख हो, सिख भी होते हैं ना तो मुस्लिम भी होते हैं दो, तो आपके नेबर में कोई भी हो सकता है, यूपी का बंदा भी हो सकता है, साउथ का भी हो सकता है, किसी भी मुंबई का भी हो सकता है, गुजरात का भी हो सकता है, दिल्ली का भी हो सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन से रिलेटेड लोग हमारे नेबर्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के, तो अलग अलग कास्ट के और अलग अलग रिलीजन्स के लोग
आपस में संग रहते हैं, ठीक है, तो डेट इज द रीजन अब तुम ज्वाइंट फैमिली में नहीं हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है या आपके किसी नेबर को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कभी आपको कुछ हेल्प की जरूरत होगी तो वो भी आपकी करेगा, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रह गई कि हम विलेजेस में रहते थे, हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी। तब तो फैमिली के इतने लोग ज्यादा होते थे कि बाहर वालों से जब बहुत ज्यादा जरूरत होती थी तभी हम हेल्प मांगते थे, अपने ही फैमिली में बहुत लोग होते थे, दे कैन लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स, ठीक है, लेकिन अब ऐसा टाइम नहीं है, मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। तो दैट इज द रीजन हेल्पिंग वन अनदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द नेवर्स में, आपस में हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। इसको भी एक बड़ी अच्छी कहानी की तरह आपको बताया है कि देखो कैसे हेल्प करनी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड स्मॉल स्टोरी गिवन। अब आप स्टोरी सुनो बेटा, नेवर हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, मतलब जब जरूरत होती है तो नेबर्स आपस में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो कभी आप ही का बर्थडे होता होगा तो आपके बगल की आंटी वांटी आ जाती होंगी आपकी मम्मी की हेल्प करने के लिए, या तो आपकी नेबर में किसी बच्चे का बर्थडे होता होगा तो आपकी मम्मी लोग भी जाती होंगी, क्योंकि अब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह रहे हैं और हमारे रिलेटिव्स भी हमसे बहुत दूर रहते हैं। अब हम लोग रिलेटिव से कम मिलते हैं, ओकेजनली मिलते हैं कब, या तो कोई फेस्टिवल हो, फेस्टिवल या तो वेडिंग हो, शादियों में सारे रिलेटिव्स आते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि हमारे रिलेटिव्स हमेशा हमारे साथ नहीं होते, हमें ओकेजनली फंक्शंस में, वेडिंग्स में, ये सब में हम अपने पूरे रिलेटिव से मिलते हैं। या तुम लोग गर्मियों की छुट्टी में जाते होगे तो अपने भाई मम्मी के तरफ के पैटर्नल रिलेटिव से भी मिल आते होगे, और फादर वाले रिलेटिव्स को, ठीक है, मम्मी वाले मैटरनल होते हैं और फादर वाले पैटर्नल होते हैं, तो पापा के रिलेटिव से भी मिल जाते होंगे, ठीक है। तो इसी को देखो कितना अच्छा स्टोरी में इसने बताया है कि फातिमा मदर वाज सिक, एक बार की बात है, फातिमा की मम्मी क्या बीमार होंगे, फातिमा मदर वाज सिक, सो व्हाट डस द राहुल मदर, हाउ राहुल मदर हेल्प फातिमा, ओके, तो राहुल मदर हेल्प फातिमा टू टेक केयर ऑफ हर, ठीक है। व्हेन राहुल सेलिब्रेट हिज बर्थडे तो फातिमा मदर आल्सो हेल्प्स राहुल मदर टू प्रिपेयर स्नैक्स, ठीक है। ऐसा होता है, जैसे तुम लोग भी आर्मी फैमिली में हो, सब बच्चे मैक्सिमम हमारे स्कूल में कहाँ से आते हैं, फुलवरिया से आते हैं, तो कई बार होता है आपकी पोस्टिंग पापा की बाहर है, तो आप लोग मान लो कभी बच्चे को किसी को चोट लग गई या कोई बात हो गई तो हम लोग एक दूसरे की नेबर्स की भी हेल्प ले लेते हैं, ठीक है। और अगर आपके नेबरहुड में कोई एल्डरली पर्सन रहता है जो कि बहुत ही बूढ़ा है, देखो बेटा एक एज आती है जब हमारे बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं। जैसे आज आप भी एनर्जेटिक हो, हम भी, आपके मम्मी पापा सब एनर्जेटिक है, लेकिन वंस अपॉन ए टाइम कम जब हमारी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाएगी, देन एट दैट टाइम वी नीड द हेल्प ऑफ समवन, ठीक है। तो ऐसे समय में हमको किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छी स्टोरी बताया है, जहां वो लोग रहते थे, ठीक है, वहां पे उनके नेबरहुड प्लेस में मिस्टर लाल रहते थे, एल्डरली मैन, ओल्ड पर्सन थे और वो बीमार थे, एवरीवन इज नेबरहुड और उन्हें कोई देखने वाला नहीं था, वो अकेले थे। तो अब नेबर ने कैसे उनकी हेल्प की, ठीक है, तो एवरीवन इन हिज नेबरहुड टेक टर्न्स टू टेक केयर ऑफ हिम। अब कोई 24 आवर तो उनके संग बैठ नहीं सकता था, क्योंकि सब तो अपने बच्चों को भी देखना है, जॉब पे भी जाना है, तो टर्न बाय टर्न 2 घंटे वो चले गए, 2 घंटे वो चले गए, इस तरह टर्न बाय टर्न कोई ना कोई उनके पास जाता रहता था, ठीक है। क्योंकि जब हम एक ही जगह पे बहुत दिन से एक संग रहते हैं ना बेटा, तो वो जो आपके नेबर्स है ना, वो भी एकदम फैमिली के मेंबर जैसे ही हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने फैमिली के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करते हो, लव करते हो, इन द सेम मैनर हमें एक संग रहते रहते हम नेबर्स हाउस में भी आपस में हम भी एक फैमिली ही की तरह रहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बेटा हमें अपने नेबर्स से पोलाइट में बात करना चाहिए, रूडली बात नहीं करनी चाहिए, और आपका हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी की हेल्प करते हो देन ओनली द अदर पर्सन स्टैंड विद यू व्हेन यू नीड द हेल्प, इज इट क्लियर। सो दैट वी कैन ऑल बी अ गुड नेबर्स, वी शुड हेल्प ईच अदर एंड ट्रीट विद द काइंडनेस।
ठीक है, रूडली किसी से नहीं बोलना है। आप लोग देखे होंगे, ध्यान दे, आप अपने घर से निकलते होंगे, आपको अपने नेबर्स दिख जाते होंगे तो आप उनको विश करते हो ना, उनके बच्चे भी आपके मम्मी पापा को विश करते हैं। इन द सेम मैनर व्हेन यू कम टू स्कूल यू विश योर मैम एंड सर, सो दिस इन दिस वे वी गिव रिस्पेक्ट टू देम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो।